नमस्कार, हरिभूमि के विशेष प्रोग्राम 8 PM में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्रा की। कुरुक्षेत्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, महाभारत के युद्ध के लिए या फिर गीता के संदेश के लिए। पॉलिटिकल रूप से कुरुक्षेत्रा की एक बड़ी पहचान यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का ये कर्म क्षेत्र रहा है। गुलजारीलाल नंदा यहाँ से सांसद रहे हैं। एक बार कुरुक्षेत्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन के तहत यह सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है और आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को यहाँ उम्मीदवार भी उतार दिया है। कांग्रेस चुनाव समिति ने जो आलाकमान के पास नामों की सूची भेजी है उसमें पहला नाम सांसद नयाब सैनी का है। वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर पवन सैनी, वह इनेलो के समय में सांसद रही कलासो सैनी का नाम है। कलासो सैनी भी पिछले 3 साल से लगातार सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी में। कुरुक्षेत्रा में सुशील गुप्ता के सामने कौन उम्मीदवार होगा और कैसा मुकाबला होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भगवान सिंह राणा, कुरुक्षेत्रा से वरिष्ठ पत्रकार तरुण वधवा व कैथल से वरिष्ठ पत्रकार नरेश पंवार। भगवान राणा जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। आपकी रदौर विधानसभा कुरुक्षेत्रा संसद में पड़ती है, तो जो भाजपा राज्य आलाकमान के पास भेजा है पैनल, उसमें कुरुक्षेत्र से 3 नाम हैं वर्तमान में सांसद नयाब सैनी, पवन सैनी व पूर्व सांसद कलासो सैनी। तो आपको क्या लगता है कि कौन दावेदार हो सकते हैं भाजपा की तरफ से? जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके हिसाब से तो नंबर 1 पे नायब सैनी को ही टिकट दी जा रही है यहाँ पे। और नाम कलासो सैनी का भी पिछले 1 साल से नाम चला हुआ है, भाई इनको भी टिकट मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ज्यादातर नायब सैनी को ही टिकट मिलने की उम्मीद है। जी 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 तरुण, जैसा राणा जी बता रहे हैं तो हम क्या माने कि 2 प्रधानों में मुकाबला होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदवार ऑलरेडी मैदान में आ चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने उनके समर्थन में कनायत में रैली भी कर दी है, तो इधर से नयाब सैनी आते हैं तो भाजपा और आपके प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के आमने सामने के ही पूरे आसार हैं और यह इसी सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। नयाब सैनी यहाँ से सबसे उम्मीदवार अभी तक दिख रहे हैं, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो कलासो सैनी है। कलासो सैनी पहले भी पूर्व में इनेलो की तरफ से 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, तो वो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी है। एक महिला उम्मीदवार होने का भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा इस सीट पर। नरेश जी, मैं आपसे एक ना बात पूछना चाह रहा हूँ। भूपेंद्र हुड्डा खुलकर के समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का, कलायत में उन्होंने एक बड़ी रैली भी कर दी है। उस रैली में एक बड़ा जो सरप्राइजिंग मामला था, जयप्रकाश ने उस रैली में समझे रणदीप सिंह सुरजेवाला को खूब आड़ों हाथों लिया है। रैली में स्पष्ट दिखाई दिया कि जयप्रकाश ने नाम नहीं लिया लेकिन उनका पूरा इशारा रणदीप सुरजेवाला की तरफ ही था, तो क्या गठबंधन में भी कांग्रेस दिखाई देगा? तो देखिए सर, ये तो क्लियर से नजर आ रहा है कि अगर हम पूरे प्रदेश की बात कर पूरे प्रदेश की बात करें या फिर इसमें कैथल की बात करें कि कांग्रेस के अंदर जो फूट है वो क्लियर सामने खुलकर सामने आ रही है। सर अगर हम कलायत हलके की बात करूं तो आज कलायत हलके के अंदर कांग्रेस के अगर विधानसभा की बात करें तो 10 से ज्यादा उम्मीदवार हैं सर, और जयप्रकाश का और जैसे सूर्यवाला जी का, तो इनका हालांकि पहले इनका काफी गठबंधन था, ये दोनों का मेल मिलाप था, लेकिन अब ये खुल के एक दूसरे के सामने बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये कांग्रेस ही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे तो क्लियर से नजर आ रहा है कि इसका फायदा भाजपा को ही होगा। और दूसरी बात, अगर हम ये बात कहें कि जो वर्तमान में अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो सांसद हैं, तो वो उनका महीने में 15 दिन सर कैथल में गुजरते हैं, तो इसलिए नायब सैनिक का जो पलड़ा है वो काफी भारी नजर आ रहा है सर। नहीं नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के एक गुट ने, जो भूपेंद्र हुड्डा का गुट है, उन्होंने पूरी तरह से सुशील गुप्ता को समर्थन दिया है, क्या रणदीप सुरजेवाला गुट के साथ भी ऐसा है कि वो समर्थन कर रहे हैं या नहीं? देखिए सर, अगर इसके समर्थन की बात करें तो अभी पिछले वीक ही उनकी यहाँ कैथल के अंदर जो रणदीप जी का है किसान भवन, वहां पर उन्होंने प्रेस मीटिंग की थी, प्रेस वार्ता की थी सुशील गुप्ता जी ने, तो उस समय जो रणदीप सुरजेवाला जी तो मौके पर नहीं थे, लेकिन उनके भाई है जो उनके राजनीतिक कमान देखते हैं यहाँ कैथल में, सुदीप सुरजेवाला जी, वो उनके सुशील गुप्ता के साथ थे और पूरे समर्थक के साथ थे, तो इससे कुछ ऐसा स्पष्ट आ रहा है कि वो भी जो रणदीप सुरजेवाला हैं या उनके जो समर्थक हैं वो भी सुशील गुप्ता का सहयोग करेंगे सर। जी,
तरुण, आपको नहीं लगता कि प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त बना ली है? उन्होंने कैंडिडेट भी उतार दिया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है लेकिन गठबंधन का है, कैंडिडेट भी उतार दिया है, भूपेंद्र हुड्डा वहां रैली भी कराए हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हो गई है, लेकिन भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार का चयन ही नहीं किया है। तो क्या इसके जी बेनिफिट बिल्कुल होगा बिल्कुल को? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बेनिफिट ही है। इसमें गुप्ता जी अभी से प्रचार में लग गए हैं, उनको सीट मिल गई है। इस चीज में भाजपा भी पीछे चल रही है सीट डिक्लेरेशन में। सीट डिक्लेरेशन नहीं, होगी तो ही भाजपा के मुद्दे आगे कुछ कर सकेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ये उम्मीदवार सुशील गुप्ता लगातार कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। अभी हाल ही जी, में भूपेंद्र हुड्डा ने भी इनके पक्ष में वर्करों से एकजुट होने का आह्वान किया है कि वो खुलकर वोट करें, इनके पक्ष में खुलकर मतदान करें, खुलकर कंपेनिंग करें। इस हिसाब से इनका पलटा थोड़ा भारी नजर आता रहा है आज की डेट में। भगवान राणा, एक बार मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि काफी चर्चाएं थी कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चर्चा अंदर खाने बड़ी चर्चाएं हैं अभी भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र को इसलिए होल्ड किया गया कि नवीन जिंदल मैदान में आ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन क्यासों में कुछ दम है? पंडित जी, अगर जो ये चर्चाएं चली हुई हैं, कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई जरूर है। और समय आएगा, जैसे ही सूची डिक्लेयर होगी तो पता तो तभी चलेगा। लेकिन फिर भी अंदर खाते जो है, इस सीट पर जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, भाई ये जिंदल को भी टिकट दे सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, क्योंकि ये भी मजबूत कैंडिडेट है यहाँ पे। और जी क्योंकि पिछली बार जो था कांग्रेस का और भाजपा का ही मुकाबला था यहाँ पे, इस जी जी बार आप पार्टी को के खाते में ये सीट गई है, और आप पार्टी का इतना जनाधार नहीं है और कांग्रेस का कोई विश्वास नहीं है, वो गुटबाजी में फंसी हुई है। तो जी अभी तक मजबूत भाजपा की ही दिखाई दे रही है। और हमारे को तो ये भी कुछ सूत्रों ने बताया है, भाई ये जो कुरुक्षेत्र की सीट है ये जजपा के पास भी जा सकती है, क्योंकि अंदर खाते इनका भी गठबंधन का कोई ना इन्होंने डिक्लेयर किया है और ना ये कहा है भाई ये गठबंधन रहेगा या अलग चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कोई स्थिति इन्होंने स्पष्ट नहीं की है, और यही वजह है कि हरियाणा की सीटों का इन्होंने अभी तक यहाँ पर घोषित नहीं किए हैं। कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अगर गठबंधन रहता है तो कुरुक्षेत्र के जो यहाँ पर जजपा के जो लोग हैं वो ये कहते हैं जी भाई कुरुक्षेत्र में हमारी दावेदारी है। अगर दावेदारी जजपा की रही तो फिर मुकाबला आपका और जजपा का हो सकता है। तरुण, आपको इस बात में कितना दम नजर आता है कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि अगर अजय चौटाला का देखें तो वो भिवानी से सांसद रहे हैं, अगर दुष्यंत का देखें तो वो हिसार से सांसद रहे हैं, दिग्विजय सिंह सोनीपत से चुनाव लड़ चुके हैं, कुरुक्षेत्र में तो इंडियन नेशनल लोकदल के अर्जुन चौटाला चुनाव लड़े थे। तो आपको लगता है कि बिल्कुल इन बिल्कुल, प्रयासों में दम हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि जजपा को अगर सीट मिलती है तो वो हिसार या भिवानी, ये दो सीटों पे ही उनके पकड़ है, वहीं से मिलेगी। अगर मिलेगी तो, अगर हरियाणा में अगर इनकी कोई बात बनती है तो कुरुक्षेत्र जी, तो में इनका ऐसा कुछ नहीं है। अगर नवीन जिंदल मैदान में आते हैं तब क्या सिनेरियो देखते हैं आप? नवीन जिंदल की अच्छी खासी पकड़ है विधानसभा में, लोग यहाँ की जनता आज भी नवीन जिंदल को याद करती है। अगर नवीन जी जिंदल यहाँ आते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता के सामने तो एक तरफा मुकाबला होगा, नवीन जिंदल यहाँ अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी जी नरेश, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भी लगता है कि नवीन जिंदल अगर उम्मीदवार होते हैं तो तस्वीर कुछ और हो सकती है? सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले नवीन जिंदल मान लिया कांग्रेस पार्टी से थे और अब वो मान लिया बीजेपी से आकर लड़ते हैं, तो मुकाबला वन साइडेड में आसार नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि सर जैसे अगर हम आप पार्टी की बात करें तो हमारा जो पूरा कैथल एरिया है तो वो बहुत ज्यादा सर पंजाब से टच है, तो जी पंजाब का जो आप पार्टी ने जो पंजाब के अंदर मान लिया जिस रणनीति के तहत काम करवाए हैं सर, तो उससे लोगों के ऊपर जो बुद्धिजीवी वर्ग है सर उस पर प्रभाव बिल्कुल नजर साफ साफ नजर आ रहा है सर। तो जी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नवीन जिंदल जी विजय होंगे या कौन से होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इनके बीच में मुकाबला देखा जा सकता है सर। जी जी तो यही अभी हम बात करें तो एक वीक पहले ही सर नवीन जिंदल जी की माता सवित्री जिंदल जी हमारे यहाँ कैथल आई थी, तो जी हमने उनके सामने भी यही वचन उठाया था कि भी क्या नवीन जिंदल जी मैदान में उतरेंगे, तो उस समय उन्होंने चुप्पी साध ली थी और उन्होंने यही कहा कि भी जैसे मान लिया हाई कमान के आदेश होंगे तो वो उसी तरीके से काम करेंगी। तो इस चीज में तो कोई शक नहीं कि नवीन जिंदल भी आ सकते हैं जी 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 जी।
भगवान राणा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्लियर क्लियर, कि आपको लगता है कि पहली जो सीढ़ी है उस मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे रही है, उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, चुनाव प्रचार भी हो गया है, इसका कितना फायदा मिल सकता है सुशील गुप्ता को? सुशील फायदा तो मिलेगा, लेकिन भाजपा तो पिछले 3 महीने से तैयारियां कर रही है, कहीं विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा चली हुई है इनकी। अब इन्होंने शक्ति केंद्र प्रमुखों पे, हर शक्ति बूथ पे जा रहे हैं ये, और वहां मीटिंगें कर रहे हैं। भाजपा अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरह आगे में है, ये कहना गलत है भाई। कांग्रेस ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार उतार दिया यहाँ पे, ये इनका एक सीट मिली थी इसको, आप पार्टी को, इन्होंने, और इनके पास कोई ऐसा दमदार कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का, इसलिए इन्होंने इसको, आपको ये सीट दी है। और मेरा को नहीं लगता है भाई, मतलब सुशील गुप्ता जी कोई टक्कर में भी रहेंगे, इतनी खास टक्कर नहीं होगी इनकी। अगर नायब सैनी या नवीन जिंदल के कामना सामना इनके साथ होता है, तो पिछली बार के देख लो, पिछली बार भी इन्होंने एकदम से निर्मल सिंह को यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा था, और वो कांग्रेस का उम्मीदवार था, फिर भी उनको 3,04,000 वोट मिली थी कुल, और भाजपा के कैंडिडेट को, नायब सैनी को, 6 लाख से अधिक वोटें मिली थी। और इस बार इनका अगर गठबंधन रहता है जजपा का, जजपा ने पिछली बार 65,000 के करीब वोट ली थी यहाँ से, यानी कि 5 पॉइंट कुछ प्रतिशत इनका मतदान, वोट प्रतिशत रहा है। और इनका जो भाजपा का था वो 55.37% वो रहा है वोट प्रतिशत। तीसरे नंबर पर यहाँ बसपा रही थी अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा में, उनको 75,000 से अधिक वोट मिली थी यहाँ पे। चौथे नंबर पे इनेलो, चौथे नंबर पे जजपा रही थी। जजपा जी तो ये है, तो अगर इस बार भी मुकाबला होता है तो अभी तक तो भाजपा ही आगे में दिखाई दे रही है यहाँ से। कांग्रेस जी जी का कोई मजबूत दावेदार होता तब कोई मुकाबला बनता है यहाँ पे। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाएगी, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है।